बाबा रामदेव के पॉलिटिकल अलायंस में कौन कौन सी पार्टियां होंगी, जब उनसे ये पूछा गया तो उनका कहना था कि कांग्रेस को छोड़कर वो हर किसी के साथ गठबंधन को तैयार हैं और एक जैसी सोच रखने वाली पार्टियों को एक साथ लेकर आएंगे। सरसरी तौर पर तो मेरी वार्ता, क्योंकि पिछले दो सालों से लगातार चल रही है, उसमें एक राजनीतिक पार्टी को छोड़कर के बाकी सभी दलों से मेरी अनेक बार बातें हुई है। अब उसको बस निर्णायक मोड़ तक ले जाना है। बाबा रामदेव ने ये साफ कर दिया है कि अगले लोकसभा चुनाव की सियासी विसात पर वो भी अपनी चाल चलेंगे। देखना ये है कि जिस कांग्रेस को बाबा रामदेव ने अपने अलायंस से बाहर रखने का ऐलान किया है, वो बाबा रामदेव की सियासी चाल का जवाब कैसे देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो बाबा रामदेव वो शख्स हैं जिन्होंने देश को पहली बार काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक किया, लेकिन एकाएक अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को हाईजैक कर लिया। इसके बावजूद बाबा रामदेव ने कई बार अन्ना की मदद करने की कोशिश की, आंदोलन को जिंदा रखने में ताकत लगानी चाहिए, लेकिन हर बार एक शख्स उनके काम में रोड़ा बन गया। आज बाबा रामदेव उसी शख्स पर सवाल दाग रहे हैं, वो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं। केजरीवाल पर रामदेव का प्रहार। देश में योग की लहर चलाने वाले बाबा रामदेव ने सबसे पहले भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। वो अन्ना के साथ भी जुड़े, लेकिन केजरीवाल ने इस बड़े संत को कभी तवज्जो नहीं दी। आज रामदेव खुद केजरीवाल की पोल खोल रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए किसी को दिखास की बीमारी होती है, किसी को छपास की बीमारी होती है, और दिखास और छपास से देश की राजनीति नहीं चलती है। जो लोग शॉर्टकट अपनाना चाहेंगे उनको पूरा देश देखता है। सुना आपने, बाबा रामदेव का कहना है कि अन्ना के कुछ सहयोगियों को खबरों में रहने की आदत हो गई थी। ये तो आप भी जानते हैं कि अन्ना के आंदोलन में जो चेहरा सबसे ज्यादा टीवी पर दिखा, अखबार में छपा, वो किसी और का नहीं, अरविंद केजरीवाल का ही था। तो क्या केजरीवाल ने सुर्खियां बटोरने के लिए अन्ना का इस्तेमाल किया? केजरीवाल ने देश के लिए क्या किया? बाबा रामदेव के भ्रष्टाचार के मुद्दे को केजरीवाल ने अपना मुद्दा बना लिया, लेकिन आज बाबा रामदेव सवाल पूछ रहे हैं कि केजरीवाल एंड कंपनी ने देश के लिए क्या किया है। ये आपने क्या ऐसा बड़ा किया है वो देश देखना चाहता है, किसी भी क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे कृषि के क्षेत्र में। क्या केजरीवाल ने रामदेव को अपमानित किया? लोकपाल के लिए बाबा रामदेव ने अन्ना को पूरा समर्थन भी दिया, लेकिन सुनिए अन्ना के मंच पर केजरीवाल ने बाबा रामदेव के साथ कैसा सलूक किया। इन लोगों को मंच हमने दिया, ये हमें मंच देने वाले होते कौन है? आदरणीय अन्ना हजारे जी ने हमको फोन पर कहा कि नहीं, आपको आना चाहिए। हम ये एक स्वामी रामदेव की बात नहीं, उन लोगों ने किन किन लोगों के साथ क्या क्या बर्ताव किया है, चाहे वो स्वामी रामदेव हो, चाहे वो श्री श्री रविशंकर हो, चाहे और दूसरे देश के साधु महात्मा हो, देश के और अनेक क्षेत्रों में काम करने वाले प्रतिष्ठित लोग हो। बाबा रामदेव के आरोपों से जाहिर है कि
केजरीवाल ने अपने आगे किसी को नहीं गिना, इसलिए अन्ना की टीम बिखरती चली गई। बाबा रामदेव ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि केजरीवाल की वजह से श्री श्री रविशंकर ने अन्ना आंदोलन से दूरी बना ली। आप देख रहे होंगे आदरणीय श्री रविशंकर जी ने भी इन लोगों से एक तरह से अपने संबंधों को जो है बिल्कुल नैपथ्य की भूमिका में लेकर के चले गए, एकदम तटस्थ हो गए हैं। क्या कारण है? खाली स्वामी रामदेव श्री रविशंकर की बात नहीं, आज इस देश का वो कोई भी व्यक्ति जिसकी थोड़ी भी प्रतिष्ठा है समाज में, आखिर इनके साथ खड़ा नजर क्यों नहीं आता है? कोई तो कारण होगा। क्या अवसरवादी हैं केजरीवाल? अन्ना की परछाई बनकर केजरीवाल मशहूर हो गए, लेकिन जब अन्ना ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया, केजरीवाल भी अलग हो गए। बाबा रामदेव का आरोप है कि अन्ना के साथ अवसरवादियों की टीम जुड़ी हुई थी, जो अपना मतलब निकालकर उनसे अलग हो गई। जो लोग जुड़े थे, कोई जो है इसमें राइटिस्ट था, कोई इसमें लेफ्टिस्ट था, कोई इसमें अपॉर्चुनिस्ट था, कोई इसके अंदर जो है एमएनसी से संचालित हो रहा था, कोई इसमें चीन से संचालित हो रहा था, कोई इसके अंदर जो है वो किसी एक बड़े राजनीतिक पार्टी के इशारे पर काम कर रहा था, कोई इसके अंदर हर आदमी का अपना एजेंडा। तो जहां राष्ट्र का एजेंडा महत्वपूर्ण नहीं होता, तो फिर उसमें बिखराव स्वाभाविक है, और वो हुआ अंततोगत्वा। और आदरणीय अन्ना हजारे साहब को भी स्वयं को तटस्थ करना पड़ा। क्या केजरीवाल ने रामदेव का इस्तेमाल किया? बाबा रामदेव ने सीधा आरोप लगाया कि केजरीवाल ने उनकी साफ सुथरी छवि का इस्तेमाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन के काम को बढ़ाने में किया। देखिए, आपने देखा जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की वेबसाइट शुरू हुई, तो उसके सबसे पहले पेज पर फोटो आता था स्वामी बाबा रामदेव का, शिष्य रविशंकर जी का, आदरणीय अन्ना जी का, और उसके बाद वो वेबसाइट खुलती थी। और उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन का क्या हश्र हुआ, आज शायद पता नहीं उस वेबसाइट को कोई संभालने वाला, या ये नाम किसके पास है, ये भी देश के लोगों को पता नहीं है। रामदेव को पूरे यकीन के साथ ऐसा लगता है कि केजरीवाल एंड कंपनी अपना चुनावी एजेंडा सेट कर रही है। तमाम तरह के धरना प्रदर्शन और नारे वादे महज चुनावी स्टंट हैं। तो अरविंद केजरीवाल पर देश के तीन संतों ने आरोप लगाए हैं। ऐसे संत जिनकी बात को आम आदमी गंभीरता से सुनता है, जो पाक साफ हैं, जिनकी समाज में खास जगह है, ऐसे संतों ने एक आवाज में अरविंद केजरीवाल से जुड़े कुछ गंभीर मुद्दे उठाए हैं। दूसरों पर आरोप लगाने वाले अरविंद केजरीवाल इन सवालों के बाद खुद शक के घेरे में आ गए हैं। क्या केजरीवाल ने बाबा रामदेव का फायदा उठाया? आम आदमी के का लेना देना नहीं, लेकिन आम आदमी पार्टी नाम जरूर है। क्या केजरीवाल ने अन्ना को धोखा दिया? अलग अलग अपने फायदे के लिए टीम बनाते हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। क्या है केजरीवाल की असलियत? उनकी नियत पाक साफ थी, तो वो अन्ना को छोड़कर गए क्यों हैं? संतों ने खोली केजरीवाल की पोल। लोकपाल के तूफान पर चढ़कर आम आदमी पार्टी बनाने वाले अरविंद केजरीवाल सवालों के घेरे में हैं। देश के बड़े संतों ने उन पर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल की नियत पर सवाल।
केजरीवाल की अवसरवादिता पर सवाल, केजरीवाल की मंशा पर सवाल, केजरीवाल के घमंड पर सवाल और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर सवाल। अरविंद केजरीवाल की पोल खोलने वाले तीन संतों को आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये संत हैं अन्ना हजारे, बाबा रामदेव और भैयू जी महाराज। इन तीनों संतों की देश में खास जगह है। इनकी प्रतिष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इन तीनों संतों ने आम लोगों के लिए काम किया है, लेकिन आज ये तीनों मिलकर इंडिया न्यूज पर बोल रहे हैं बारी बारी से केजरीवाल की पोल खोल रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए किसी को दिखास की बीमारी होती है, किसी को छपास की बीमारी होती है, और दिखास और छपास से देश की राजनीति नहीं चलती है। जो लोग शॉर्टकट अपनाना चाहेंगे उनको पूरा देश देखता है। इस युग के गांधी के रूप में उनको देखने लगे थे। ऐसे समय पर लोगों ने छोड़कर उनको जाना कहीं ना कहीं उनकी महत्वाकांक्षा को तो दर्शाता है। कुछ लोग हमारे अरविंद के साथ में, कुछ लोग आ गए हमारे पास, उनमें भी और टीम बन गई, तो इससे क्या होगा? ये अलग 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 लोगों अपने फायदे के लिए अगर जाते हैं उससे कुछ नहीं होगा। सुना आपने ये तीन संत अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या राय रखते हैं? ये उन केजरीवाल के राज खोल रहे हैं जो आज खुद को आम आदमी का मसीहा कहते हैं। वो केजरीवाल जो दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं लेकिन महाराष्ट्र के सूखे इलाकों में नहीं जाते। केजरीवाल पर ये सवाल हम नहीं उठा रहे, ये सवाल उन संतों ने उठाया है जो अरविंद केजरीवाल को बहुत करीब से जानते हैं, जिन्होंने केजरीवाल के साथ न सिर्फ काम किया है बल्कि उनसे अलग भी हो गए। आज केजरीवाल के हर राज से उठेगा पर्दा। देखिए कैसे संत खोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल की पोल। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। ये है आईटीवी नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। मिलावट